जब भी भारत के खेलों की बात की जाती है तो कुश्ती का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि कुश्ती एक ऐसा खेल है जिसने भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। चाहे वो वर्ल्ड चैंपियनशिप हो या फिर वो ओलंपिक्स ही क्यों ना हो, कुश्ती एक ऐसा गेम है जहां भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा है, और कुश्ती एक ऐसा गेम है जहां भारत के मेडल पक्के रहे हैं। इस बार भी नजर ओलंपिक्स में कुश्ती गेम पर बिल्कुल टिकी रहेंगी, और इस बार कुश्ती का ये मुकाबला इसलिए भी अलग और इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि इस बार मुझे एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। फिल्म है दंगल, क्योंकि कुश्ती की बात होती है, दंगल की बात होती है, तो हमारे जहन में जो बॉलीवुड ने एक इमेज बनाई है इस खेल को लेकर, उसके हिसाब से दंगल फिल्म सबसे पहले आती है। और दंगल फिल्म में आपको गीता बबीता के पापा का एक डायलॉग याद होगा, मारी छोरी छोरियों से कम है के, और वही सब कुछ इस बार आपको पेरिस ओलंपिक्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि दबदबा महिलाओं का है। 6 खिलाड़ियों का कंटिंजेंट कुश्ती में है, जिनमें से 5 खिलाड़ी महिला हैं और सिर्फ 1 खिलाड़ी पुरुष हैं। तो उन्हीं 5 में से एक जिस महिला खिलाड़ी की मैं बात करने वाली हूँ वो है रितिका। रितिका की अगर बात की जाए तो 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो इस बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो एक सामान्य से परिवार से आती हैं, पिता उनके किसान हैं, और किर्गिस्तान में जब ओलंपिक्स को लेकर क्वालिफाइंग राउंड हुआ तो वहाँ पर उन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया, बेहतरीन खेल दिखाया, और उसी बेहतरीन खेल की बदौलत यहाँ पर इन्हें ये पोजीशन प्राप्त हुई। रितिका हुड्डा की अचीवमेंट्स की, उनके लॉरल्स की अगर बात करें तो ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। अब मिस्र की ही चैंपियनशिप को आप देख लीजिए, जहां उन्होंने 72 किलोग्राम भार वर्ग में मुस्तफा इब्राहिम कुश्ती रैंकिंग सीरीज में कांस्य पदक अपने नाम किया, देश का नाम रोशन किया, झंडा बुलंद किया। वहीं अगर एशियन चैंपियनशिप की बात करें तो इसी वेट कैटेगरी में, 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में रितिका ने एक बार फिर से अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए कांस्य मेडल जीता। और जो जीत का सिलसिला है, जो पदक का सिलसिला है, वो यहाँ रुका नहीं, थमा नहीं, ये सिलसिला जारी रहा। 2023 में अंडर 23 चैम्पियनशिप में जब वो प्रतिनिधित्व करने के लिए पहुँची तो उन्होंने यहाँ पर चैम्पियन बनकर दिखाया। ये थी वर्ल्ड चैम्पियनशिप की सबसे बड़ी जंग। इतने मेडल्स जीतने के बाद, इतने शानदार प्रदर्शन के बाद अब सभी की उम्मीदें रितिका से और बढ़ गई हैं, क्योंकि ओलंपिक्स में जब वो भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी तो इस बार 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी में वो लड़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन खिलाड़ियों के लिए बड़ा चैलेंज होगा क्योंकि बहुत सारे रूल्स में बदलाव हुआ है। पहले ये होता था कि एक दिन पहले जो आपका वेट है उसी वेट के साथ आप अपने खेल को कंटिन्यू कर सकते हैं, कुश्ती लड़ सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी 76 किलोग्राम भार वर्ग में है तो वो 75 या 77 तक में कंसिडर हो सकता है, वो एक किलो का मार्जिन होता था। लेकिन इस बार नियम और स्ट्रिक्ट हो गए हैं, मतलब एक किलो का ऐसा कोई मार्जिन नहीं है, जिस वेट कैटेगरी में आप हैं वही वेट आपका होना चाहिए, ना एक किलो ऊपर, ना एक किलो नीचे, ना 100 ग्राम ऊपर, ना 100 ग्राम नीचे। तो समझिए इस बार खिलाड़ियों के लिए चैलेंज कितना है। और ये चैलेंज इसलिए डबल हो चुका है क्योंकि अब इस बार से, यानी कि पेरिस ओलंपिक्स में खिलाड़ियों का वजन सुबह होगा, कुश्ती से पहले होगा, तो उनके लिए ये मेंटली फिजिकली बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क रहने वाला है। लेकिन इन चैलेंजेस को पार पाते हुए क्या इस वेट कैटेगरी में भारत को रितिका ओलंपिक्स में मेडल दिला पाएंगी, इस पर सभी की नजर रहेगी।